गहलोत सरकार के बेमिसाल चार साल, गहलोत सरकार के चार साल पूरे हुए हैं। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज, जेकेके में सरकार की चार साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दोपहर 1 बजे सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरें। आज बेहद खास मौका, क्योंकि आज चार साल प्रदेश सरकार के, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान पूरे हुए, और ऐसे में कई कार्यक्रम होने हैं। और खास तौर पर जवाहर कला केंद्र में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसके बाद सूचना और जनसंपर्क अवलोकन करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले, और इससे बाद आपको ये भी जानकारी दे दी कि कार्यक्रम में संबोधित भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, और उसके बाद तमाम योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया जिन पर सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल का जिक्र भी किया और कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रखी गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया। और देखिए, आज कार्यक्रम बेहद खास है। राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, कार्यक्रम में उद्घाटन किया। खेल मंत्री अशोक चांदना वहां पहुंचे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं, और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी वहां पहुंचे हैं। और ये वो तस्वीरें जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेकेके पहुंचे और वहां उद्घाटन किया। देखिए, बड़ा जश्न कांग्रेस पार्टी एक तरह से मना रही है, और जश्न की वजह तो वैसे पार्टी के पास कई है, क्योंकि दिसंबर माह कांग्रेस पार्टी के लिए राहत भरा कह सकते हैं कहीं ना कहीं रहा। महज 9 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में, हालांकि गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजों को छोड़ दिया जाए तो कई मौके पार्टी के पास जश्न मनाने के। और देखिए, कल ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पूरे किए हैं, जिसके तहत भी कार्यक्रम किया गया। अल्बर्ट हॉल पर म्यूजिक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी जयपुर पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान की गई। और फिलहाल राजस्थान से होकर के भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, और जिस तरह का जनसैलाब इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहा है, उसकी चर्चा राहुल गांधी ने भी की और कहा कि राजस्थान में अच्छा रिस्पॉन्स भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। लेकिन आज ये तस्वीरें जयपुर से लाइव सुजस मोबाइल ऐप विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। परिपूर्ण करते देखिए, अब से कुछ ही देर में 1 बजे सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले संबोधन में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया कि किस तरह से सरकार ने काम किया है चार सालों में, और कहा कि जिस तरह का माहौल बन जाता है, अक्सर देखा जाता है कि जब सरकार को चार साल पूरे हो जाते हैं तो एक तरह से सरकार विरोधी लहर कहीं ना कहीं चल पड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार जिस तरह से नजारा देखा गया वो कुछ विपरीत रहा है। सरकार विरोधी लहर जनता के मन में नहीं देखी गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना प्रबंधन का जिक्र भी किया, कहा कि WHO में भी तारीफ हुई जिस तरह का प्रबंधन राजस्थान में किया गया कोरोना काल के दौरान।
और ये भी बताया कि किस तरह से जन घोषणा पत्र नाम दिया गया, जनता से पूछ करके जन घोषणा पत्र बनाया गया और इसलिए जन घोषणा पत्र नाम उसे दिया गया। ये तमाम बातें, तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताई। सुजस मोबाइल ऐप खबरों का रोज नाम। देखिए कई फैसले वैसे तो लिए गए हैं इन चार सालों में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज इन फैसलों की हुई उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम सबसे ऊपर रहा, क्योंकि देखा गया कि इसका असर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिमाचल प्रदेश तक भी दिखाई दिया। कहीं ना कहीं हिमाचल में चुनाव जीतने के पीछे की वजह ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को जोरों शोरों से वहां उठाना बताया गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात खुद भी कही थी कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में किया था चुनाव प्रचार के दौरान, उसका भी जिक्र किया, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा भी खूब सुनाई दी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। और राजस्थान में लागू कर दी गई थी ये स्कीम इसी वर्ष फरवरी 2022 में, और अब पार्टी चार साल पूरे होने का जश्न मनाती है। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएमआर में होगी। और देखिए आपके साथ तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं, जयपुर से लाइव ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद हैं। आज के इस समारोह में सबसे पहले सूचना और जनसंपर्क विभाग, इसके साथ ही राजस्थान के उनके रोजनामचे को तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी वहां पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं, क्योंकि कार्यक्रम बेहद खास। आज पार्टी अपने चार साल पूरे होने का जश्न एक तरह से मनाती हुई, और विकास प्रदर्शनी से नाम दिया गया है जेकेके में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन। खबरों का रोज नामचा तथ्यात्मक प्रामाणिक खबरें सूचना और शिक्षा के ध्येय को परिपूर्ण करते, जिस तरह से नाम इस प्रदर्शनी को विकास प्रदर्शनी दिया गया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार यहां अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास के कार्यों को दर्शाने की कोशिश करती हुई। कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंचे हैं। अधिकारी वहां मौजूद, प्रशासनिक सेवाओं के जयपुर से लाइव तस्वीरें जवाहर कला केंद्र में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और ये भी कहा कि जो अगला बजट होगा वो युवाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज कार्यक्रम हो रहा है बेहद खास जेकेके में, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, लेकिन अभिषेक दोपहर 1 बजे सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी बताया गया था, इसको लेकर के कोई जानकारी कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाएगी? अभिषेक देखिए, अभी सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर जेकेके में ही है, और जेकेके से यहाँ से वो सीधे वहाँ सीएमआर जाएंगे जहाँ पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और अभी जो यहाँ पर ये प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ पर जो डीपीआर है, डीपीआर की तरफ से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग किया जा रहा है, कि किस तरह से जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनको किस तरह से घर घर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और जो डीपीआर की तरफ से जो यूट्यूब पे भी डीपीआर का जो चैनल है उसके बारे में बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो पूरा कार्यक्रम है उसको भी लाइव कवरेज डीपीआर की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया जा रहा है कि किस तरह से डीपीआर सोशल मीडिया का उपयोग करके ये जो आज का जो इवेंट है उसको भी गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचा रहा है। और इसके अलावा जो सरकार की योजना है जिनके कारण राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट माना जाता है, उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किस तरह से सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है उस पर किया। आप देख सकते हैं कि
के जो बुलेटिन है, लाइव बुलेटिन भी डीपीआर की तरफ से यहाँ दिखाया जा रहा है, जिसको खुद अशोक गहलोत देख रहे हैं और अशोक गहलोत खुद जो यहाँ का जो लाइव कवरेज हो रहा है उससे जुड़ा हुआ बुलेटिन देख रहे हैं। स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, बताया जा रहा है इनको कि सोशल मीडिया का किस तरह से डीपीआर यूज कर रहा है और यहाँ पे जो उनके साथ जो है पीसीसी अध्यक्ष मौजूद है और तमाम लोग मौजूद है, तमाम विभाग के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे पीएमआर जाएंगे जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभिषेक बिल्कुल देखिए जश्न का मौका है, खुशी का माहौल है, चार साल पूरे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, लेकिन आज पार्टी से एक तरह से विकास प्रदर्शनी के रूप में, एक तरह से जिस तरह से जेकेके में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, आपसे अभिषेक महत्वता भी समझना चाहेंगे इस विकास प्रदर्शनी की कितनी है। विकास प्रदर्शनी के माध्यम से जो पिछले चार साल में जो अशोक गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आकर देखें कि किस तरह से जो जन जो सरकार है वो आम जनजीवन से जुड़े हुए जो योजना है उनको लेकर आई है और उसका कितना फायदा किस तरह से लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रदर्शनी में उन तमाम योजनाओं के बारे में जो है प्रदर्शनी की जा रही है उनके बारे में बताया जा रहा है और एक स्टूडियो भी यहाँ पर जो डीपीआर की तरफ से जो सूचक पत्रिका है तो एक सूचक स्टूडियो भी यहाँ बनाया गया है जहाँ से लाइव कवरेज जो है उनका जो बुलेटिन है उस पर प्रसारित किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी उसी जो सूचक स्टूडियो है उसके अंदर चले गए हैं और वहाँ पर जो है वो जो बोलेंगे जो कहेंगे जो भी इवेंट होगा उसको वो उसका वो लाइव कवरेज जो है उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर दिखाया जाएगा। और उधर जो यहाँ पर जो विभिन्न विभाग हैं सरकार के उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जो है जानकारी दी जा रही है। इसके लिए जो विभिन्न योजनाओं के अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं और अभी सीएम अशोक गहलोत खुद ने भी अपने भाषण में बताया था कि किस तरह से जो राजस्थान है वो किन योजनाओं के मामले में और किन उपलब्धियों के मामले में पूरे देश में अलग है और किस तरह से एक मॉडल स्टेट के तौर पर देश में राजस्थान ने पहचान बनाई है। और ये तमाम जो आयोजन इस समय चल रहा है अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचक स्टूडियो में ही है जहाँ पर जो है जो भी इवेंट होगा उसका लाइव कवरेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो हमारे कैमरा मैन है वो आपको दिखा रहे हैं कि जो लाइव स्क्रीन जो बाहर लगी हुई है स्टूडियो पर उस पर अशोक गहलोत का जो बोल रहे हैं वो पूरा लाइव जो है जनता यहाँ मौजूद है, जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि स्टूडियो में क्या चला है। तो इस तरह से जो डीपीआर है उसने यहाँ पर इस प्रदर्शनी में ये प्रदर्शित किया है, ये बताया है कि किस तरह से जो आज की जो आवश्यकता है, जो सोशल मीडिया है, जो आज की जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है उसमें किस तरह से जो डीपीआर है वो कदम ताल मिलाकर चल रहा है और किस तरह से कदम ताल मिलाते हुए जो है योजनाओं जो सरकार की योजना है सरकार की उपलब्धियां को प्रचार प्रसार कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो ये कैनोपी है ये डीपीआर की है तो इसी में ही अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी देर से यहाँ मौजूद हैं और बारीकी से हर चीज को देख रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से डीपीआर काम कर रहा है। अभी वो सूर्य स्टूडियो में ही है, सूर्य स्टूडियो में जो बोल रहे हैं उसको बाहर लाइव भी दिखाया जा रहा है। जी अभिषेक देखिए आपसे एक और जानकारी चाहेंगे, आज तो क्योंकि चार साल पूरे होने के उपलक्ष में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, क्या इसके बाद भी इसी कड़ी में और भी आगे आने वाले दिनों में और कार्यक्रम आयोजित होने हैं चार साल पूरे होने के? क्योंकि एक जानकारी तो सामने ये भी आ रही थी कि 28 दिसंबर तक चार साल पूरे होने के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि एक पहलू ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान से होकर गुजर रही है और अभी दौसा से होकर के गुजर रही यात्रा, लेकिन फिर अलवर में इसका प्रवेश रहेगा, तो क्या यह संभव है कि कार्यक्रम आयोजित होंगे 28 दिसंबर तक? इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी स्पष्ट अभिषेक? बिल्कुल, इसकी पूरी जो है कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि किस तरह से जो चार साल सरकार के पूरे हैं उसमें किस तरह से जनता को नई सौगातें दी जाए, नई विकास योजनाएं शुरू की जाए और जो विकास योजनाएं पूरी हो चुकी है उनका लोकार्पण किया जाए। इसके लिए लगातार जो है पूरे कार्यक्रम बनाने की तैयारी में है। जैसे अगर जेडी की भी अगर हम बात करें तो जो ओटीएस चौराहे पर जो फ्लाईओवर बनना है उसकी भी शिलान्यास जो है किया जा सकता है बहुत जल्द। पहले ये 15 दिसंबर को होना था लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की उसके कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समय नहीं मिलने के चलते वो स्थगित किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें हो सकती हैं। तो जो आप बता रहे हैं 28 दिसंबर तक का जो कार्यक्रम है, इस दिसंबर का महीना है प्रदेश के लिए जो है सौगात भरा हो सकता है जिसमें नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है और जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनका लोकार्पण किया जाता है। आप कह सकते हैं, आप देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अभी यहाँ सूरज स्टूडियो में ही मौजूद है, अब वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आके हो सकता है कि वो मीडिया को ब्रीफ करें और उसके बाद यहाँ से निकल के सीएमआर जाएंगे जहाँ पर
एक बजे का टाइम डिसाइड किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अशोक गहलोत बाहर आ गए हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा भी यहाँ मौजूद हैं और पीसीसी अध्यक्ष मौजूद हैं, और अब वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के सीधे वो कोर्ट सीएमआर जाने का कार्यक्रम है। जी जी अभिषेक, देखिए ये भी जानकारी चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में सीएमआर पहुंचेंगे। हालांकि कल भी हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तमाम जो सवाल पत्रकारों ने किए थे राहुल गांधी ने उनका जवाब भी दिया था। आज क्या आपको लगता है, आज क्या खास रह सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है उसमें भी जो है सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजना है, उनके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विस्तृत जानकारी देंगे, और किस तरह से पूरा देश इवन जो केंद्र सरकार है उसने भी जो है कई मौकों पर जो अशोक गहलोत सरकार का कोरोना प्रबंधन है, विभिन्न योजनाएं हैं, उनकी तारीफ की है, तो उसके बारे में सारी जानकारी जो दी जाएगी। अभी वो यहाँ पर जो डीपीआर के कैनोपी में ही है और यहाँ से निकल के उनके जाने का कार्यक्रम है, और जो सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया क्योंकि सीएम के निकलने में किस तरह का व्यवधान नहीं आया, इसकी वजह से यह पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया, और यहाँ से निकल के अशोक गहलोत सीएमआर जाएंगे, और यहाँ देख सकते हैं आपकी अशोक गहलोत जो है किस तरह से वहाँ पे जो जो काउंटर है डीपीआर का उस पर जानकारी ले रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है कि आम लोगों को सहज और सुलभ भाषा में किस तरह से जन सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले, उसके बारे में यहाँ पूरा जो बताया किया गया उसको लेकर यहाँ पर जो है अशोक गहलोत देख रहे हैं। उसके बाद जो नगरीय विकास विभाग है उसका जो जो कैनोपी है उसमें जाने का है, इसके बाद यहाँ से वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत जो है वहाँ से जो डीपीआर की कैनोपी है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राखा भी मौजूद हैं, और यहाँ से निकल के जो है इनको जो आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा हैं वो सीएम अशोक गहलोत को जो है जो हाउसिंग बोर्ड और जो यूटीएच का जो कैनोपी है वहाँ लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साथ में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी करते हुए उन्हें आवासन मंडल की कैनोपी में लेके जा रहे हैं, और उनके साथ जो है प्रमुख सचिव पूंजीलाल मीणा भी है, और जो आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा है उनके देखकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जो हाउस बोर्ड बना रहा है उसका भी जो प्रतिक्रिया यहाँ पे रखी गई है, जिसके बारे में जो आवासन आयुक्त जानकारी दे रहे हैं किस तरह से हाउसिंग बोर्ड है वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसका निर्माण कर रहा है। ठीक जी, और शॉल आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शॉल उड़ाकर जो है स्वागत किया है, और सूत की माला भी जो है पवन आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा सीएम अशोक गहलोत को पहनाई है, और साथ ही जो उनके साथ अशोक गहलोत का जो अतिथि है उनका भी स्वागत किया जा रहा है, और आप और जो आवासन मंडल की ओर से किए स्वागत से जो है मुख्यमंत्री और अन्य विद्यार्थियों को आप देखते हैं फोटो सेशन के साथ जो है, और आवासन मंडल की ओर से भी जो पिछले चार साल में जिस तरह की स्कीम लाई गई है जनता से जुड़ी हुई, और जिस तरह से जो संपत्तियों का निस्तारण किया गया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और किस तरह से जो आवासन मंडल की जो मकान है वो आम आदमी को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं, और क्या क्या योजनाएं चल रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्लब की हो, चाहे वो कोचिंग हब की हो, या जो मानसरोवर में जो सिटी पार्क है जो कि सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है उसको किस तरह से बनाया गया, तो हाउसिंग बोर्ड की भी तमाम उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आवासन आयुक्त देख सकते हैं आवासन आयुक्त जो है बता रहे हैं आवासन मंडल की जो उपलब्धियां उनके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दे रहे हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभिषेक आपसे एक और बात यहाँ समझना चाहेंगे। नया प्रदेश प्रभारी राजस्थान को मिला है सुखजिंदर सिंह रंधावा के रूप में, उनकी मौजूदगी कितनी खास हो जाती है अब चार साल बेमिसाल जब पार्टी बना रही है? उनकी मौजूदगी इस लिहाज से भी खास है कि उनको भी ये जानने का मौका मिल रहा है कि पिछले चार साल में अशोक गहलोत सरकार ने क्या काम किया, जनता को किस तरह से फायदा पहुंचाया, कौन सी ऐसी योजना है जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, किस तरह से लोगों को सस्ता इलाज मिल रहा है, किस तरह से जो इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है जिसमें 50,000 तक का जो ऋण है वो बेरोजगारों को उपलब्ध कराया जाता है, कोई प्रदेश में भूखा नहीं सोए इसके लिए जो है इंदिरा गांधी
रसोई योजना लाई गई है, तो ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी है जो प्रदेश प्रभारी जो नए नियुक्त हुए हैं उनको उनको भी मिल रही है। उनके लिए भी ये नया अनुभव है कि एक स्टेट जो है 4 साल में तो देखिए ये तस्वीरें जेकेके में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसके बाद कार्यक्रम में संबोधित भी किया, अवलोकन किया, विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसके बाद ये वो तस्वीरें लाइव। इसके बाद देखिए सीएमआर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।